दिखाई दे रही तस्वीरें ओल्ड फरीदाबाद के शास्त्री कॉलोनी की हैं। इन तस्वीरों को आप देखकर समझ गए होंगे कि ये लोग पानी की समस्या को लेकर कितने परेशान हैं। जी हाँ, यह लोग इतने परेशान हैं कि ये लोग कोरोना जैसी महामारी को दरकिनार करते हुए एक साथ झुंड में पानी भरने को मजबूर हुए हैं। और आनन फानन में बहुत से लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 5 दिनों से इनके यहाँ पानी नहीं आ रहा, जिसकी शिकायत भी नगर निगम और अन्य कई अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। बहुत विनती करने के बाद पानी का एक टैंकर भेजा गया है, जिसके चलते पानी की समस्या से जूझ रहे लोग टैंकर को देखते ही घरों से अपने अपने बर्तनों को लेकर बाहर भाग लिए और पहले मैं की जल्दबाजी में सोशल डिस्टेंस का पालन करना भूल गए। चलिए आप भी सुनिए इन लोगों ने क्या कुछ कहा। कब से पानी नहीं आ रहा? 4-5 दिन हो गए भैया। कितनी भी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन बिल्कुल चलन में कोई दिक्कत हो रही है? बीमारी है लेकिन फिर भी भीड़ लग रही है। लगी रहेगी भीड़ तो पानी ना आ रहा है। 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे कैसे लैट्रिन पेशाब धोएंगे? कितनी भीड़ लग रही है, कोई दूरी नहीं है और मास्क भी नहीं लगा रखा लोगों ने। मुंह क्या कर मर जाएगा किसी पार्षद से किसी ना मान रहे सबको फोन कर लेते हैं कोई नहीं सुनता है। नगर टैंकर का भरो एक सलीम नाम का कोई यहाँ का वो नगर निगम का उसे तो 10 बार फोन कर दिया, एक बार भी नहीं झाका। यहाँ क्या करें हम, जान बच्चों को मार दे अंदर बिना पानी के। 5 दिन से पानी नहीं मिलने के बाद आज जब पानी का टैंकर इलाके में आया तो ये लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करना ही भूल गए। खैर, देखना होगा कि नगर निगम या फिर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनकी दिक्कत को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, जिससे फिर ये लोग इस प्रकार की गलती ना कर पाएं। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।